हरियाणा में अगले 4 दिनों तक चलने वाली शीतलहर ठिठुरन बढ़ा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि हरियाणा में अगले 4 दिनों में शीतलहर का असर बरकरार रहेगा, जिसके चलते हरियाणा में पहले से और अधिक ठंड बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। शीतलहर के कई इलाकों में चलने के बाद ठिठुरन बढ़ने लगी है। पंजाब के कई जिलों में अधिकतम तापमान 12 से 16 डिग्री दर्ज किया गया। हरियाणा में 21 जनवरी तक शीतलहर चलने के आसार हैं। बिहार के कई जिलों में दूसरे दिन भी कोल्ड डे की स्थिति रही। उधर अगर बात करें पंजाब की, तो अमृतसर सबसे ठंडा रहा। यहां अधिकतम तापमान 12 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। उधर पटियाला में धुंध की वजह से दृश्यता 25 मीटर रह गई। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार यानी आज और मंगलवार को घनी धुंध रहने की संभावना है, साथ ही रात के तापमान में गिरावट आएगी, ऐसा भी माना जा रहा है। दिल्ली में सोमवार को लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले रविवार को सफदरगंज इलाके में कोहरे की वजह से दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई थी। वहीं प्रदूषण का स्तर 347 तक पहुंच गया, इसे गंभीर माना जाता है। हरियाणा के नारनौल में रात का तापमान 2.5 डिग्री और रेवाड़ी में 2.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। सुबह घना कोहरा छाया रहा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की रफ्तार दोपहर बाद बढ़कर 14 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, इससे ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक अब कोहरे से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन शीतलहर 21 जनवरी तक चलने के आसार हैं। वहीं बिहार में ठंडी हवाओं से ठिठुरन का एहसास हो रहा है। आज कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। पटना और गया समेत बिहार के 13 जिलों में लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे की स्थिति रही। मौसम विभाग के मुताबिक ये स्थिति 22 जनवरी तक रहने के आसार हैं, लेकिन रात का तापमान बढ़ सकता है। ग्वालियर भी सबसे ठंडा रहा। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 3.8 डिग्री गिरकर 21.5 डिग्री आ गया। सुबह कोहरा छाया रहा। भोपाल में अब दिन के बाद रात में भी सर्दी कम हो गई है। रात के तापमान में 3.2 डिग्री का इजाफा हुआ। दिन और रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा हो गया है। हरियाणा के नारनौल में रात का तापमान 2.5 डिग्री और रेवाड़ी में 2.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। सुबह घना कोहरा छाया रहा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की रफ्तार दोपहर बाद से बढ़कर 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी, इससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब कोहरे से तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन शीतलहर 21 जनवरी तक चलने के आसार हैं। बताते चले कि अभी हरियाणा में भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। 4 दिनों तक शीतलहर चलेगी, जिससे ठिठुरन बढ़ने की बात कही जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.